नमस्कार, यू फॉर यू वॉइस में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के दो कलाकारों को वर्ष 2018 के लिए अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए संगीत नाटक अकादमी ने सम्मानित किया है। बात करें अगर कश्मीर की, तो कश्मीर के लोक नाट्य शैली भाट पात्र को जीवित रखने के लिए मोहम्मद सादिक भगत को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं जम्मू के जिला रियासी के गांव नोमाई के कलाकार सुनील पलवल को अभिनय के क्षेत्र में राष्ट्रीय बिस्मिल्ला खां युवा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। बाट पात्र को जीवित रखने में कश्मीर के सादिक का अहम योगदान है। मोहम्मद सादिक भगत कश्मीर के भाट पात्र के प्रमुख कलाकारों में से एक है। आज भाट पात्र के कारण उनकी खास पहचान है। उनकी गिनती सबसे लोकप्रिय अभिनेता, संगीतकार, डिजाइनर और निर्देशक के रूप में होती है। सादिक, जिसे भीड़ खींचने वाले के रूप में जाना जाता है, वो वन मैन थिएटर होने के लिए भी लोकप्रिय हैं, जो न केवल पारंपरिक सारंगी बजाते हैं बल्कि भाट थिएटर में कई कार्य भी करते हैं। मोहम्मद सादिक भट्ट को अशांति का सामना करने के बावजूद कश्मीर में भाट पात्र की परंपरा को निभाने का श्रेय दिया जाता है। इसी सिलसिले में हमने बात की कश्मीर में उनके साथ काम कर चुके मोहम्मद यासीन से। उन्होंने बताया कि वो अपने परिवार को भी इस शैली से जोड़े हुए हैं, वो दूसरे युवा कलाकारों को भी सिखाने में विश्वास रखते हैं। और वहीं बात करें जम्मू की, तो अपने बेहतरीन अभिनय का लोहा मनवा चुके हैं सुनील पलवल। राष्ट्रीय बिस्मिल्ला खां युवा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाले सुनील पलवल ने जाने माने बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर सौरभ शुक्ला और फिरोज अब्बास खान की प्रोडक्शन में अपने बेहतरीन अभिनय का लोहा मनवा चुके हैं। भारत में निर्मित सबसे प्रसिद्ध ब्रॉडवे शैली नाटकों में से एक देवदास और मुगले आजम में सलीम के प्रदर्शन से उन्हें विशेष पहचान मिली। सुनील बहुत सारे सीरियल्स और फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें सीरियल्स की बात करें तो पृथ्वी वल्लभ, बालिका वधु, सपने सुहाने लड़कपन के, और फिल्मों की बात करें तो उन्होंने जॉली अलर बेटू, ये दिल रमता योगी और उरी जैसी बेहतरीन फिल्मों में अपनी अदाकारी का जोहर दिखाया है। अगर बात करें उनकी शुरुआत की, तो उन्होंने अपने थिएटर करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में एक बाल कलाकार के रूप में जम्मू आधारित थिएटर समूह नटरंग से की। बाद में जीजीएम साइंस कॉलेज से स्नातक करने के लिए जम्मू आ गए। 2008 में उन्होंने एफटीआईआई में दाखिला लिया। चाहे वो नसीरुद्दीन शाह हो या सौरभ शुक्ला, बेंजामिन गिलानी या मीता वशिष्ठ, टॉम आल्टर या राकेश बेदी, उन्होंने सभी के साथ काम किया है। उन्हें 2017 ब्रॉडवे वर्ल्ड इंडिया अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी का पुरस्कार भी मिला। देवदास जैसी भूमिका निभाने में उनकी मेहनत को हमेशा याद किया जाता है। यू फॉर यू वॉइस की टीम की ओर से इन दोनों कलाकारों को बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए यू फॉर यू वॉइस। नमस्कार।